हेलो अस्सलाम वालेकुम जी गाइस, हम यहाँ पे दूसरी वीडियो स्टार्ट कर चुके हैं। यार रैत पे चला नहीं जा रहा यार। नाइल तुम्हें जूता नहीं मिला था और वो बंद जूता पहन लेती। ये देखें गाइस, इनको देखें, ये जूते पहन के आई हूँ। ये देख, ये चलने वाले जूते हैं जी, हद हो गई है भाई। ये देखें अब हंस रही है। ये देखें जी आगे पानी है। ये देखें जी गाइस, ये रोई का इलाका है, चौलिस्तान इलाका है, और दरमियान ये कोई तालाब है। मैं आपको दिखा रही हूँ, वो बहुत गरीब लोग थे। इंशाल्लाह उनकी हेल्प हम करेंगे नेक्स्ट टाइम, अगर हम कभी चक्कर लगाए तो फिर वीडियो बना के आपसे शेयर भी करेंगे, तो उनकी हेल्प भी करेंगे। तो हुकूमत से भी मैं अपील करती हूँ कि ऐसे इलाकों को देखें, ऐसे इलाकों के लिए एहसास प्रोग्राम बनाएं, क्योंकि इन लोगों को ज़रूरत है राशन की, हर चीज़ की। बिल्कुल जंगल में रहते हैं, कोई आबादी नहीं है यहाँ पर, साइडों पर कुछ भी नहीं है, चोलिस्तान का इलाका ये सारा। ये देखें जी, तो ये देखें, ये तालाब बना हुआ है यहाँ पे, और सारी ये ज़मीन वैसे पड़ी हुई है, यहाँ पे कोई रहश नहीं, कुछ नहीं है। तो ये सारी गवर्नमेंट की ज़मीन है यहाँ पे। तो आगे अबू धाबी है का महल है, वो अबू धाबी का इलाका है। आजकल शहजादे आए हुए हैं अबू धाबी के, वो डेविड बंद किया हुआ है उन्होंने, फिर भी मैं आपको दिखाऊँगी वहाँ तक, महल तक। तो ये देखें जी, नीचे आपको दिखा रही हूँ, ये कहाँ से उतरे हैं? है जगह बेचारे बहुत गरीब लोग थे। हाँ जी, मैंने कहा ये सास प्रोग्राम में ना वो आजकल मैसेज जा रहे हैं, तो राशन भी दे रहे हैं, पैसे भी दे रहे हैं। मैंने कहा आप लोग मैसेज करें हुकुम। हाँ बने हुए हैं, कह रही हमने किसी को दिया था कज़न को मैसेज करने के लिए, तो उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया। ऐसे लोगों के तो आ रहे हैं मैसेज, गरीब लोगों के। ये बहुत गरीब लोग हैं, कैसे जंगल में रह रहे हैं ये लोग। तो मैंने उन्हें कहा नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह फिर इंशाल्लाह आपकी मदद भी करेंगे। कैसे नीचे उतरे, डर लगता है मुझे, कैसे जाएं, नीचे गिर जाएंगे। नहीं भाई मैं नहीं जा रही। हाँ अल्लाह, नहीं नहीं मैं हाथ नहीं पकड़ूंगी, गिर जाऊंगी। दबो दबो, ये देखें गाड़ी हम नीचे जा रहे हैं, कहीं गिर ना जाए। पाँव बिल्कुल रेत के अंदर जा रहा है। या आई 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 या शशि पुनु जा रहे हैं। आई लव वाकई रेत का आज मजा ले रहे हैं जी, वाकई रेत का पता चल रहा है, रेत है ये देखिए। हेलो, कितनी मुश्किलों से नीचे आ रहे हैं, साफ है कितना। ये है सेम नाला। अच्छा, ये सेम पानी है, ये खारा पानी जिसको बोलते हैं। अच्छा, कड़वा भी होता है ये। अच्छा, इनको देख के चक्कर भी आ रहे हैं ना, इसको इस पानी को देख के। नहीं कुछ भी नहीं होता, लहरें हैं ना, लहरें हैं ना, जैसे समंदर की लहरें आ रही होती हैं। ये ऐसे जैसे कितनी प्यारी लग रही हैं लहरें आ रही हैं। ये देखें जी गाइस, ये समंदर की लहरें आ रही हैं। ये हमारे पंजाब का समंदर है। चोलिस्तान का समंदर। कितनी प्यारी आ रही है लहरें, है ना, साफ सुथरा, नीचे सेम है ना। ये देखें जी, ये देखें जी, ये देखें जी, ये देखिए वो रेत भरी हुई है। चलो ये देखें जी गाइस, ये सारा सेम का पानी है, लेकिन बहुत साफ है, बिल्कुल समंदर की लहरों की तरह आ रहा है। तो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये घास लगी हुई है अंदर, ये बाकी से देख के चक्कर आ रहे हैं, मुसलसल देखे ना चक्कर आते हैं। ये रेत है ऊपर जी, हम नीचे हैं। ये देख, आय हाय, ये देखें जी, ये रेत के टीले हैं यहाँ पे, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत इंजॉय हो रहा है। बाकी चोलिस्तान का इलाका है ये सारा, तो हम आपको दिखा रहे हैं। तो रेत पे चलना बहुत मुश्किल है, लेकिन मज़ा भी बहुत आ रहा है, क्योंकि ठंड है। अगर गर्मी के दिन होते हैं तो गर्मी में बिल्कुल बंदा एंजॉय नहीं कर सकता है यहाँ पे। तो ये देखें, ये मच्छर देखें, ये मच्छर हैं, कहाँ पे हैं ये सारे, ये देखें, ये मच्छर ही तो हैं ये। वाइट वाइट, हाँ ये देखें कितने मच्छर हैं यहाँ पे। ये मच्छर खतरनाक होते हैं, ऐसे डेंगी बन जाते हैं, फिर ये ना कोई डेंगी मच्छर ही लड़ जाते हैं। घर जाते जाते डॉक्टर जफर के पास पहुंच जाए। ये देखें जी, वो देखें बच्चे ऊपर चढ़ रहे हैं सारे।
मैं तो पानी को नहीं देख रही, मुझे चक्कर आ गया भी। ये ले, ये सारी रेत है, पांव अंदर जा रहा है बिल्कुल। मुझे क्यों चक्कर दिलवा रहे हैं, पैसे चक्कर आ रहे हैं। इन इलाकों में आने के लिए ना जीन्स पहन के आनी चाहिए बंदे को। हाँ जी, को जीन्स और शर्ट और ऊपर से जैकेट बस। सही, ये इलाके इस टाइप के हैं, सही बात नहीं? हाँ जी, ये देखें जी। इसमें मछलियाँ भी होती हैं। मछलियाँ कहाँ से आ गई? मछली वहाँ पे 6 फुट पानी है, मैं आपको दिखा रही हूँ। बहुत गहरा भी है पानी यहाँ पे बता रहे हैं। मछलियाँ भी हैं यहाँ पे बता रहे हैं। गाइस मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं यहाँ। ये देखें यहाँ से मैं आपको सारा इलाका दिखा रहे हैं। यहाँ से बहुत चक्कर आ रहे हैं यार, पानी को देख देख के इतने चक्कर आए हैं, पता नहीं क्यों। ये देखें जी, निशानी छोड़े। कहाँ पे कितना पानी है यहाँ पे? 4.5 फुट पानी है। ये देखिए गहरा है, ये गहरा है। अच्छा, मैं तो अपने अब्बू के पास, तो इस बच्चे इससे बड़ा पानी है। अच्छा, तो इंसान डूब भी सकता है। हाँ, यहाँ से अंदर खींचता जाए, खींचता जाए, क्योंकि तो है तो रेत इलाका। ये देखें ना, ऐसा वजन पड़ेगा ये। हाँ हाँ, ये देखें बिल्कुल दलदल की तरह। ये हाथ रखें, ये देखें। हाँ, ये गया। हाँ, वही तो कह रही हूँ, कोई फंस गया तो वो तो पानी जाके देख जावे, नमकीन कोड़ा। हाँ, ये पानी उबाल के लोग पी सकते हैं, वैसे नहीं उबाल के भी नहीं पी सकते। हाँ नहीं, उबाल के नहीं पी सकते, जहर है इसमें। ये जहर वाकई, और इसमें डेंगू मच्छर है, बहुत मच्छर वाकई लग रहा है मुझे। ये पानी को देख देख चक्कर आ रहे हैं मुझे। हाँ, बहुत चक्कर आ रहे हैं। जहाँ पे ये मैल पड़ी हुई ना। हाँ, ये नीचे से ऊपर आ रही है। हाँ, बनी हुई है। अच्छा, ये कहाँ से आ रहा है पानी? ये सेम का पानी। अच्छा, जमीन से आ रहा है। ये देखिए आगे वहाँ से। हाँ हाँ, समझ आ गई। जैसे बारिशें होती हैं तो वो जमा हो जाता है। अगर हुकूमत यही तालाब बना दे तो तालाब बन जाएंगे, बिल्कुल बन सकते हैं। तो बेचारे बहुत गरीब लोग हैं यहाँ पे। हाँ जी, वो मैंने उनसे बात की है, बहुत गरीब हैं। पानी की प्रॉब्लम है, खाने पीने की बहुत से प्रॉब्लम है। चले चले जी, चले। आओ बेटा, आओ दूसरी साइड पे चलते हैं। ये देखें जी, पहाड़ों पे चढ़े हुए, कोई सलमान के पहाड़ है। गाइस ये कोई सलमान का पहाड़ है, देखिए आओ। अब फिर ऊपर चढ़े, फिर नीचे कैसे उतरेंगे? अभी यहां से वापस, मैं तो नहीं जा रही ऊपर। ऐसे जाना पड़ेगा, इधर से। कहां से? इधर से जाना पड़ेगा। अच्छा चलिए गाइस, ये ऊपर चढ़ते हैं जी। अल्लाह अल्लाह। बना रहे हैं। ये देखें जी, हाय हाय, ये ना कोई ड्रामा बनाना चाहिए रेत पे, पूछ नहीं जाने। बाकी ये टीले देखें जी, रेत के बहुत चलना भी मुश्किल हो रहा है यहाँ पे। आपको गाइस ये दिखा रहे हैं उसमें, ये देखें जी। देखिए हमारी गाड़ी खड़ी है। हाँ जी, वो गाड़ी खड़ी हुई है, ये देखें जी। हाँ, अब हमने शूट कर लिए। अब हम यहाँ से चल रहे हैं जी आगे, तो आपको दिखाते हैं। ये देखें जी, सारा मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ से करके। देखें जी गाइस, हम लोग, सर्दी भी हो रही है और पाँव घुसता जा रहा है रेत में, बहुत मुश्किल से चल रहे हैं। जोगर पहने हुए हैं, फिर भी बहुत मुश्किल हो रही है। गाइस आपके लिए यहाँ पे है, मैंने कहा आपको दिखाती हूँ ये इलाके। मौसम भी बहुत अच्छा है, सर्दी के दिन है, गर्मियों में यहाँ पे बिल्कुल नहीं आ सकते। गर्मियों में ये रेत इतनी तपी होती है, बहुत ज़्यादा तपी होती है। देखें जी, नहीं बस
नहीं वो कड़वा पानी है, वो नहीं पीना चाहिए। पिया अभी तुम्हें डेंगू हो जाएगा, गंदा पानी है वो पागल। जी गाइस अब हम यहाँ से, मैंने आपको इसका विजिट करवाया है इस इलाके का, तो इंशाल्लाह हम यहाँ पे तुम्हारा चक्कर लगाएंगे जब उनकी हेल्प करेंगे। पानी घुस गया है ना, ये सरेत घुस गई है ना पाँव में। ये देखें हील हील अंदर बाहर हील। यहाँ पे ना ड्रामा बहुत अच्छे बनते होंगे, मैं तो चाह रही हूँ एक ड्रामा भी यहाँ बनाए। छोटा सा बन सकता है। हाँ जी मैं वो, अच्छा कौन सी, अच्छा अच्छा वो कहाँ पे होती है, फिर कैसे पकड़े, कोई हमारे पास चीज़ तो नहीं है पकड़ने के लिए, फिर शॉपर तो उठा लेना, छिपकली को पकड़ते हैं। ये ना के सामने से आ जाए छिपकली। अच्छा अच्छा गोल्डन छिपकली गाइस, गोल्डन छिपकली यहाँ पे जो पकड़ी जाए तो 90,000 की है, यहाँ बहुत कीमती है वो। वो देख रहे हैं हम गोल्डन मिर्च छिपकली कौन सी है, यहाँ लाइनों वाली गाइस बहुत खतरनाक लग रहा है। ये देखें गाइस जा रहे हैं, बहुत थक गई हूँ, देखे चला नहीं जा रहा। देखें जी बहुत अच्छा लगा यहाँ के लोगों से मिलके। गर्मी गर्मी कहाँ है, ठंडी हवा चल रही, क्या हो गया। हाँ जी अभी वो गाड़ी में बैठेंगे कहेंगे सर्दी लग रही है। गाइस हम वापस जा रहे हैं, ये देख रहे हैं कहाँ पे, अच्छा ये छिपकली यहाँ पे है जी, 90,000 की गोल्डन वाइट छिपकली, 90,000 वाली यहाँ छुपी हुई है। हाँ ये देखिए जा रहे हैं, कहीं सांप के निशान ही ना हो भाई। हाँ जी चलो कितनी, अच्छा इस खाने में रहती होगी, क्यों उसने भी बॉर्डर बनाया हुआ है ना। हाँ बॉर्डर, हाँ उसमें जहर होती है, तो फिर आप लोग पकड़ते कैसे हैं। अच्छा है मुंह से, अच्छा अच्छा मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है। अच्छा देखें गाइस जी ये निशान लगाए हैं कि घर ढूंढने के लिए कि हमारा घर कहाँ पे है। वाकई भाई अच्छा 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 काफ़ी लगी हुई है। वो औरत कह रही थी रात को टाइम बड़ा डर लगता है क्योंकि जंगल है सारा यहाँ पे, पानी भी वो कह रहे थे कड़वा है यहाँ का। हाँ देखें गैस जी हम वापस जा रहे हैं यहाँ के, आपको ये इलाका वो नाम कुछ बता रहे थे इसका, नहीं नहीं कुछ और नाम बता रहे थे, नहीं नहीं मेरे जहन से निकल गया, कोई और नाम बता रहे थे, क्या नाम बता रहे थे तुम्हें भी कुछ मर्द ऐसे कोई नाम बता रहे थे, चले मेरे वीडियो में आ गया नाम। कितने मिनट की होगी, 14 अभी 16 तक कर लेते हैं।
देखें गाइस जी, अब ये वीडियो हमारी काफ़ी लंबी हो गई है, तो मैं यहाँ से निकलती हूँ, फिर दोबारा और वीडियो बनाती हूँ। मैं आपको चोलिस्तान का सारा इलाका यहाँ से दिखा रही हूँ। ये देखें सारा यहाँ से रेत ही रेत है सब। तो अब आपसे हम इजाज़त चाहते हैं, ओके, हाफिज़। दूसरी वीडियो स्टार्ट करेंगे, फिर हम आपसे मिलते हैं। ओके।